जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन क्लिक करें। सबको आपने यस बोल दिया, यानी सबको आपने हाँ कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, मैं तेरा काम करने को तैयार हूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। तो भाई तू टेंशन मत ले ना, तेरा भाई है ना, मैं कर दूंगा यार तेरा काम। यकीन मानिए दोस्तों, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा बुरा बनो, थोड़ा सा लोगों को मना करो, थोड़ा सा लोगों को नहीं भाई मेरे पास आज टाइम नहीं है। दोस्तों आज 2020 है, यानी 2020 के अंदर आपको कुछ ऐसे ऐसे गोल्स, फाइनेंशियल कंडीशंस, कुछ ऐसी चीज़ें सेट कर लेनी चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में एक स्टेबल इनकम चाहिए, या फिर ये यूँ कहूँ सरल शब्दों में, अगर आपको अमीर बनना है या बने रहना है या फिर एक तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो इन 8 प्रिंसिपल्स को आपको ज़रूर अपनाना पड़ेगा। ये 8 प्रिंसिपल्स ऐसे वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इन 8 तरीकों को अपनाते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप काम करें तो कम से कम 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस ऐसे हों जो आपके पास एज अ, जिसे कहते हैं ना फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल हो आपके पास 3 मंथ्स का एक्सपेंसेस का। यानी सपोज करिए आपका महीने का खर्चा है 50,000 या 20,000 या 10,000, तो आपके पास कम से कम इतने पैसे इतने होने चाहिए कि 3 महीने तक अगर आप नहीं भी कमाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगर आप ये एक तरीके से अपने पास इतनी सेविंग रखते हैं तो निश्चित ही आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे काम, अगर आप कोई अलग काम स्टार्ट करना चाहते तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कभी आपकी तबीयत ख़राब हो तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चीज़ों में लाइफ में जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। दोस्तों दूसरी चीज़, हमेशा अपनी इनकम की 25% सेव करें। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल की चिंता बिल्कुल नहीं करते और सिर्फ ये सोचते हैं कि चलो आज का खर्चा पूरा हो जाए और मुझे कोई लेना देना नहीं, और चलो आज मैं यहाँ खर्चा कर लेता हूँ, कल सेविंग हो जाएगी, कल घर वालों से ले लूँगा, ये कर दूँगा, वो बेच दूँगा। ऐसा कभी भी मत करिए, हमेशा अपनी इनकम की 25% सेविंग ज़रूर करिए। इधर उधर की चीज़ों में खर्चा ना करिए, ना ही कभी ऐसा ना करिए कि भैया हमारी इनकम तो है कम और मैं फ़ोन खरीदूंगा 90,000 का, मेरी इनकम है 20,000 की, मैं फ़ोन खरीदूंगा 90,000 का, फाइनेंस पे लूँगा। ऐसे मूर्ख इंसान इस दुनिया में मूर्ख ही रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो सिर्फ या तो अपने पापा के पैसे उड़ा सकते हैं या फिर कहीं से अगर उनका बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो उसको उड़ा सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ है, अमीर बनने के लिए अगर आपको सही तरीके से अमीर बनना है तो हमेशा आपको बिजनेस और फाइनेंसेस की बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी मोटिवेशनल, कोई भी ऐसी किताब जो आपको अच्छा इंस्पिरेशन दे वो काम आपको ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी, मतलब आप एक ही लगाइए कि आपको एक तरीके से पूरे साल में 15 से 20 किताबें पढ़नी है, आप ये लेके चलिए, यानी महीने में 1 या 2 किताब या फिर 1 किताब भी आपने पढ़ ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये अपना गोल बना के चलते हैं तो निश्चित ही आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे जो रईस लोग होते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या क्या होती है, पॉजिटिविटी कैसे लाते हैं और वो उनके अमीर बनने के क्या क्या नुस्खे होते हैं, सब आपको एक तरीके से समझ आएगा। दोस्तों चौथी चीज़ है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों लाइफ में अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में करिए, फिक्स डिपॉजिट्स बनवाइए या फिर किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको रिटर्न आए, या फिर कोई बिजनेस, कोई स्मॉल स्केल बिजनेस, कोई हल्का फुल्का काम जिसमें भी आपको अच्छा अच्छा लगता हो। मैं जानता हूँ अपने एक दोस्त को जिसका कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल भी क्या कहूँ, 9-10 महीने पहले या फिर 1 साल ही हुआ होगा उसको, उसका एक छोटा सा ठेला था जिसमें वो शेक्स बेचता था, पास्ता बेचता था, बर्गर थे, फास्ट फूड का था, बट उसने अपने फूड को इतना अच्छा करा, इतना अच्छा करा, आज उसने किराए पे दुकान ली हुई है एंड आई थिंक 2-2.5 लाख रुपये महीने के आराम से कमाता है अपने खुद के दम पर, और ऑल उसको बस सिर्फ अच्छे से आता है चीज़ों को करना, उसने इन्वेस्टमेंट करी और उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। दोस्तों 5वां पॉइंट मेरे 4 पॉइंट से बहुत सारे रिलेटेड है। दोस्तों हमें एक तरीके से साइड कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं मगर वो ये सोचते हैं यार कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑफिस से घर आऊँगा और तारक मेहता को देखूँगा और बहुत खुशी खुशी अपना दिन को निकाल दूँगा। ऐसा काम कभी भी मत करिए।
हो सकता है आपके दिन अच्छे बीते, हो सकता है आपकी बीवी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो कि चलो हाँ भाई बढ़िया है, मेरा पति मेरे को टाइम देता है, हो सकता है आपके घर वाले भी कहें हाँ भाई हमारा बच्चा। मगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप साइड बाय साइड कुछ और भी दिमाग अपना लगाएंगे तो निश्चित ही दरवाजे भी खुलेंगे और आपको एक तरीके से समझ आएगा कि हाँ भाई ये काम अपने को करना है। और अगर आप ये सोचेंगे नहीं हो ही नहीं सकता है, मैं जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता, मैं ये दोस्तों बहाने वही लोग मारते हैं जिनको लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए बहाने कभी मत मारिए, कोशिश करिए, आपको निश्चित ही रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों छठी चीज है, लोन लीजिए मगर कभी भी बैड डेब्ट्स ना होए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोन तो ले लेते हैं और चुकाते नहीं हैं। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो अपना लोन लेते हैं उन्हें अपना लोन चुकाना भी चाहिए, साथ ही साथ लोन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपके ऊपर एक हम ऐसे लोग हैं कि हम इस दुनिया में ऐसे जिसके इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि जब तक उसके ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं होती, कोई रॉकेट का प्रिंसिपल जैसे आप देखते हैं कि उसके बम पे आग लगी होती तभी वो चलता है, वैसे ही हम लोग हैं। अगर हमारे ऊपर प्रेशर होगा तभी हम काम करेंगे, अगर हमने किसी से लोन लिया होगा हमें उसको चुकाना होगा, यकीन मानिए दोस्तों आप काम करेंगे। अपने घर के पैसे को इन्वेस्ट करने की जगह लोन लेके अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप एक तरीके से अपने जो आपके लोन्स का प्रेशर समझ के आप अपने काम को बहुत सीरियसली लेंगे। अगर आपको 4 बजे उठना है यकीन मानिए दोस्तों 3:55 पे आपकी आँख खुल जाएगी कि हाँ मुझे अब काम करना है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैंने ये काम करके ही रहना है क्योंकि मेरे को अपने लोन्स चुकाने और एक अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने घर परिवार को एक अच्छी जिंदगी देनी है, ये ज़रूर करिए। दोस्तों सातवीं चीज़ है, अपने ऊपर ध्यान रखिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके जो गोल्स हैं आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। कल आपको क्या करना है, परसों आपको क्या करना है, तरसों आपको क्या करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की भी सेविंग है तो उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे ये आपको अब भी पता होना चाहिए। आपके हर गोल्स, आपको क्या करना है आने वाले दिन में, किस किस से मिलना है, कैसे कैसे मिलना है, क्या क्या काम है, उसका एक आउटले एक तरीके से ये सोचिए कि हाँ मैं अच्छा मेरे को दिल्ली में उससे मिलना है, यहाँ ये काम करना है, मैंने वहाँ वो इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके पास एक ना एक अपना आउटले हर काम का होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये काम करना है, इस तरीके से करना है, यहाँ जाकर इससे मिलना है। बहुत से लोग बिना प्लानिंग के कुछ भी करना चालू कर देते हैं, ऐसा काम कभी मत करिए। अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है, अगर आपको लगता है यार मैंने तो प्लानिंग नहीं करा ढंग से, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और सीधे ऊट पटांग कुछ भी काम करने बैठ जाएंगे तो लोग तो आप पे हंसेंगे, आपको खुद पे भी अपने ऊपर हंसी आएगी। हमेशा जो भी आप काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर आपको लगता है हाँ भाई ये काम करने से मेरे को ये करना है तो उसका एक आउटले बनाइए, प्लान बनाइए। जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं, यकीन मानो दोस्तों उन्हीं के गोल्स वो अचीव कर पाते हैं। जो लिखते ही नहीं उनको क्या मिलेगा, जिन्होंने लिखने तक का एफर्ट नहीं डाला, जिन्होंने इतनी सी मेहनत नहीं करी कि भैया हम लिख के देख लें एक बारी कैसे हो कर सकेंगे, क्या करेंगे। एक आउटले बनाइए, किन किन लोगों से मिलना है उसको लिखिए, टू डू लिस्ट बनाइए, जो भी आपको लगता है मगर लिखिए ज़रूर, इसके बहुत सारे फायदे आपको होंगे। दोस्तों आठवीं और आखिरी चीज़ जो सबसे मेन है, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जब कोई हमें कुछ सिखाता है तो हम उसे कहते हैं अरे अपने बाप को मत सिखा, अबे मुझे मत सिखा, मेरे को सब पता है। हम ऐसा हीरो बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इंसान जानवरों से भी बहुत कुछ सीख सकता है, शेर से हम सीख सकते हैं कि हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, हाथी से हम सीख सकते हैं कि इतनी पावर होने के बाद भी कैसे शांत रहें, लोमड़ी से हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कितना चलाक होना चाहिए, सांप से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपके पास पावर नहीं भी हो, कम हो, या फिर अगर आप लेग्स मतलब इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हो फिर भी आपको कैसे दिखाना है सामने वाले को, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये हमें जानवर भी सिखाता है। और इसी से रिलेटेड है मेरा 8वां पॉइंट, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, फिर चाहे वो किताबों से, न्यूज़पेपर से, दोस्तों से, बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने आसपास के लोगों से, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, बहुत बारी गलत सलाह देने वाले भी मिलते हैं, मगर ये हमारे ऊपर है कि हम किसकी सलाह को मानते हैं और किसकी सलाह को नहीं मानते। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं बेटा ये काम मत करो, तुम्हारे लिए हित अच्छा नहीं है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई देखो अरेंज मैरिज कर लो तुम खुश रहोगे। दोस्तों उन्होंने बिल्कुल सही कहा है,
ज़िंदगी में जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं वो हमेशा सही कहते हैं, 95% ऐसा होता है कि वो सही कहते हैं। और इसका फैक्ट का एग्जांपल है कि आप अगर स्टैट्स चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा लव मैरिजेस टूटती हैं, अरेंज मैरिज नहीं टूटती। आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को दोस्तों। इससे प्रूव होता है कि बड़े बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी बात को सुनना भी चाहिए। और किसी के एक्सपीरियंस को लेने से कोई बुराई नहीं, अगर आपको किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको ज़रूर सीखिए। तो एकदम से हर चीज़ के लिए मिस्टर यस मत बन जाइए, थोड़ा सा बुरा बनना भी अच्छा होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।